वेलकम टू टेक्नोविद फ्रेंड्स। यहाँ आपको मिलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए तैयार किए गए खास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए टेक्निकल ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है टेक्नोविद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। नमस्कार मित्रों, संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ। और जैसा कि उस दिन हमने एक वीडियो बनाया था बैंड लैब पर, तो बैंड लैब पर आज एक हम वीडियो फिर से बना कर दे रहे हैं आपको। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप खुद का इफेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने वही पूरी सेटिंग कर रखी है, आप पिछला वीडियो देखेंगे तब आपको बाकी समझ आएगा कैसे ऑडियो ऐड करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें आपको इसमें पता लगेगी, ठीक है। तो अभी हमने एक ऑडियो यहाँ पर ऐड कर रखा है और वॉइस ट्रैक मैंने ऐड कर रखा है। मैं पिछली बार भी आपको पूरा बता चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पर भी इसका वीडियो मिल सकता है, या मैं आई बटन पर आपको वीडियो दे दूँगा, तो जैसा भी आपको उचित लगे वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो की। अभी जो वर्तमान में, तो आज हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट हम कैसे स्पेसिफिक लगा सकते हैं, इफ़ेक्ट हम खुद का अपना इफ़ेक्ट लगाना चाहें, एक क्रिएट करना चाहे इफेक्ट, तो कैसे करेंगे। तो चलिए ओपन करते हैं इसको। ये मैंने ओपन किया, बैक ऑन हो गया। यहाँ पर ऑटो पिच है और सिंगल ट्रैक है हमारा, सिंगल ट्रैक और एफएक्स पर एफएक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने एक मेरा इफेक्ट बना रखा है और एक दो इफेक्ट यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर एक क्रिएट इफेक्ट है, आप नया कोई इफेक्ट बनाना चाहो इस पर क्लिक कर दो। ये देखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन, ऐड योर फर्स्ट इफेक्ट रिवर्ब इत्यादि, इस पर क्लिक करेंगे। हम एक इफेक्ट लगाते हैं, देखिए EQ3 सबसे पहले इको है, फिल्टर इको है, ग्राफिक, और ये है फेज 45, सेंट कोरस, स्टूडियो रिवर्ब, और टेक लैब बी एप, ये कुछ ऑप्शन है जो जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देखिए। तो हम यहाँ पर एक बार लगाएंगे, फिल्टर एको है, फिल्टर एको, और ये है एक और इफेक्ट, इसका कुछ नाम नहीं बोल रहा है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए EQ3M है ये, ठीक है। तीन मोड है इसके अंदर, लो, मिड, हाई, ठीक है यहाँ पर, और एक इसका गेन भी दिया हुआ है। चलिए हम चेक कर लेते हैं कैसे करता है। अभी यहाँ पर हम इस इफेक्ट को आपको सुना भी सकते हैं, लेकिन मैं सुनाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम, मतलब कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इसको ये जो इसका लो है यहाँ 0.0 इसको 50 है, तो हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 60% स्लाइडर है इसका। इसके अलावा इसको थोड़ा आप कम कर लें, 40% रखें आप लो को, क्योंकि लो जो होता है बेस ज्यादा होता है, उसमें भारी आवाज आती है, तो इसको थोड़ा कम रखें। मिड, ये मिड है, इसको आप 50% इसको थोड़ा सा बढ़ा लें, 55% स्लाइडर, इसको 45% स्लाइडर रखें, इसको भी आप अपनी आवाज के हिसाब से रखें, वो आपको सुविधा। इसमें मॉनिटरिंग भी ऑन होती है, तो हेडफोन मॉनिटरिंग ऑन करके आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं मॉनिटरिंग ऑन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको डबल आवाजें सुनेगी। इसके बाद ये 50% ये है हाई, 0.0 डेसिबल्स हाई, यानी कि ट्रेबल, ट्रेबल है, उसको आप थोड़ा सा यहाँ से 50% है तो 60% 65% कर लें, 68% और ये है mid sweep, 2000 hertz, इसको 2000 hertz है, इसको आप चाहें तो 78% स्लाइड, ठीक है custom। और अब हम यहाँ पर detected icon ऊपर add का बटन है, इस पर फिर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें EQ3M filter echo delay, filter echo delay, और अब हम यहाँ पर एक studio reverb लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर है 62% है, इसको थोड़ा कम करेंगे हम, 22% इतना काफ़ी है, और 22 ही रखें क्योंकि ज़्यादा गूंजेगी आवाज़ नहीं तो। टोन 74, टोन है ये 74 है, तो इसको थोड़ा कम करेंगे हम, 39% स्लाइडर, 39% स्लाइडर, 39 ठीक है। साइज, साइज जो है इसका, इसको थोड़ा कम करेंगे, 44% इसको 44% करेंगे, और यहाँ पर ऊपर एड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक कम्प्लीट हो गया काम, हमने यहाँ तक जो है मामला सेट कर लिया। अब इसके बाद जो है और देख लेते हैं और हमें क्या ज़रूरत पड़ सकती है। फिल्टर एको डिले लगा लेते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए ये डिले है, इसको मिक्स जो है सबसे पहले इसको थोड़ा कम करेंगे, 20% स्लाइडर, 20% रखेंगे इसको, और ये वाला डिले 200 मिलीसेकंड है, इसको भी 15% स्लाइडर, इसको 20% ही रखेंगे, फीडबैक 24% जो है
ये 24% है, इसको आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन 19% रखें इसको। और ये कट ऑफ जो है 12,000 हर्ट्ज है, 93% है, 83% 68% है, ठीक है ना। अब आप इसको इतना ही काफी, मेरे हिसाब से तो इतना काफी होता है, 53% 48% स्लाइडर काफी है ना, ज्यादा फिर अच्छा नहीं लगता, ये रिवर्ब खराब आता है फिर ये। इसमें कस्टम, ये कस्टम है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कस्टम, ये कस्टम और ये कस्टम, दोनों ही दो दो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं ऑप्शन। अब आपको इसे ऐड, ये ऑन है, ये ऊपर देखिए यहाँ पर फिल्टर एको डिले ऑन ऑन है, ठीक है ना। तो अब इस तरह से आप इसको ऐड आपने कर लिया है। अब यहाँ पर डिटेक्टेड आइकन हेडफोन्स बटन, अब आइकन हेडफोन्स बटन लिखा हुआ है, ये देखिए आप चेक भी कर सकते हैं ऊपर इस बटन को दबाकर कि कैसा इफेक्ट मुझे सुनाई दे रहा है। आप अपने हिसाब से इसको अपने ज्यादा या कम कर सकते हैं। तो इस तरह की आवाज कुछ आपको सुनाई दे रही, तो ठीक है, सी हेडफोन्स बटन बंद कर देते हैं इसको। अब हमारे पास डिटेक्टेड आइकन बैक बटन, आइकन बैक है कस्टम, इस पे क्लिक कर दीजिए। तीन हमारे पास इफेक्ट हो गए, एक ही हो गया और एक ये हो गया, तीन हो गए ना। अब डिटेक्टेड आइकन ऐड बटन, आइकन ऐड बटन आप ऐड करना चाहें तो और भी, फिल्टर एको डिले कस्टम, इसको मैं रिप्लेस ओके कर देता हूं, ठीक है, हमारा कंटिन्यू हो गया। सेंट कोर्स सेंट कोर्स स्टूडियो रिवर्ब, अब आपको और कुछ लगाना हो रिवर्ब तो आप लगा सकते हैं, बाकी अब जरूरत नहीं है इसकी। अब हम इसको आप no previous heading, अब कोई अपन को जरूरत नहीं, अपना काम कंप्लीट हो गया है, detected. बैक कर देते हैं एक बार, detected. यहाँ पर बैक detected. ठीक है, back button. अब हमारा ये इफेक्ट तैयार हो गया है। हेलो, अब हम सुन कर देख लेते हैं। हेलो 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 हेलो, बिल्कुल परफेक्ट, शानदार इफेक्ट है, है ना। तो आप अपने हिसाब से इसको और भी ज्यादा सेट कर सकते हैं। चलिए अब हम गाने की तरफ चलते हैं। डिटेक्टेड टैप टू स्टॉप 0 0, टैप टू चेंज सेटिंग्स बट टैप 0, टैप टू पॉज। दिल तेरे नाम से धड़कता है, दिल तेरे नाम से धड़कता है, हो ये क्या हुआ है मुझको, हाँ ये क्या हुआ है मुझको, खुदा जाने। दिल तेरे नाम से धड़कता है। तो आपने सुना ये गाना, तो इस तरह से थोड़ा रिवर्ब आपको इसलिए ज़्यादा लगे क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा रखा है, आप रिवर्ब कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से शानदार तरीके से आप खुद का इफेक्ट क्रिएट करके और शानदार गाना गा सकते हैं। तो अब योगेश जी, मुझे वो क्या नाम उनका, कौशलेंद्र जी, आप जो कह रहे थे माइक में खटर खटर की आवाज़ आती है, वो बताइएगा कहाँ आ रही है, मुझे तो बिल्कुल नहीं सुनाई दी, आपको कहाँ सुनाई दी। इस माइक में ये रिकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है, और अगर आपके कोई भी इसके लिए कोई भी कमेंट हो तो ज़रूर बताएं। ये मैंने आपको सिंपल आपको बताया, मुझे इतना अच्छा तो गाना आता नहीं है, लेकिन आप इस तरह से बैंड लैब में अपना खुद का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बाकी अगर खुद का नहीं करना चाहते, आपको थोड़ा टिपिकल लगता है, तो इसमें काफ़ी सारे इफेक्ट हैं, जैसे यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज भी दी गई हैं इसमें, जैसे अपन देखें माई प्रीसेट, रिकमेंडेड, विंटेज, टोन्स, मॉड्यूलेटेड, एम्बिएंट, एम्प्ड, एनहांस्ड, पोस्ट, क्रिएट, तो अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, आपको जो भी इफेक्ट लगाना हो लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, आशा आपको पसंद आई होगी। और इसके अलावा लिरिक्स बटन, डिटेक्टेड वॉइस बटन, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको मैंने बताई। आप ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। फिर किसी वीडियो में और मिलेंगे हम आप लोगों से, और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने दोस्त संदीप शर्मा को। जय हिंद, जय भारत।